नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। इंदौर में रहवासियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, विधायक ने जताया दुख, बंधाया ढाढ़स। और गायत्री परिवार ने भरी हुंकार, कोरोना का होगा सर्वनाश। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में रहवासियों ने अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया है, जो कि इस वक्त सुर्खियां बन चुका है। आइए जानते हैं इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए। इंदौर में लॉकडाउन के दौरान द्वारकापुरी क्षेत्र में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन में गली में बैनर लगाकर उस पर लिखा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। यहां के रहवासियों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। यहां के रहवासियों का साफ तौर पर कहना है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। यह जो बैनर लगाए गए हैं, वह समस्याओं के निराकरण के लिए लगाए गए हैं। जब हमारी समस्या का निराकरण हो जाएगा, तब हमसे आकर वोट मांगना, जब तक कोई वोट नहीं देंगे। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। बिहार के सुपौल में हुए एक युवक की मौत के बाद पिपरा विधायक यदुवंश प्रसाद यादव ने मृतक युवक के आवास पर पहुंचकर शोक व्यक्त किया, साथ ही परिजनों को उचित न्याय दिलाने की भी बात कही है। बिहार के सुपौल सदर थाना क्षेत्र के हरदी बिसनपुर में हत्या के मामले में युवक की मौत होने पर परिजनों के घर पहुंचकर दुख जाहिर करते हुए उचित न्याय की मांग को दिलाने को लेकर पिपरा विधायक ने परिजन को आश्वासन दिया है। विधायक ने आवास पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी ही दुखद घटना है कि 26 साल के नौजवान की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को कड़ा दंड देना चाहिए। साथ ही कहा कि प्रशासन की ओर से न्याय में किसी तरह की लापरवाही होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इस बीच भावुक होकर परिजनों ने कहा कि दोषी को सजा नहीं मिली तो आमरण अनशन कर आत्मदाह कर लेंगे। सुपौल से कुणाल कुमार की रिपोर्ट। निंदा की जाए वो कम होगा। बड़ी ही दुखद घटना है। 24 साल के नौजवान, 26 साल के नौजवान की हत्या, निर्मम हत्या करने का काम जघन्य अपराध है। और हम प्रशासन से इस विषय में मिल करके जो अभी तक की स्थिति है, उन्होंने जो इस केस के मुद्दे पर जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया है, क्या स्थिति है, उसकी जानकारी लेंगे। और प्रशासन से यही चाहेंगे कि जो अभी ये परिवार उस लड़के के मौत से जो मर्माहत हैं, दुखी हैं, उनको न्याय दे। और न्याय में अगर कहीं त्रुटि कमी पाई जाएगी तो हम लोग इसके लिए हर तरह का, जो आंदोलनात्मक स्थिति हो या जो भी हो, वो जो करना पड़ेगा वो करने का काम करेंगे। और किसी भी सूरत में इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जितना कोरोना से लोगों की मौत सड़क पर या रेल पर या क्वारंटाइन सेंटर में जितनी मौत नहीं हुई है, इस कोरोना काल में अपराधियों द्वारा सबसे ज़्यादा हत्या करके जो है सो मौत का आंकड़ा इस कोरोना काल में बढ़ाया गया है। और निरंतर सुपौल जिला के प्रत्येक थाना में कोरोना काल में जो है अपराधियों द्वारा आम लोगों का जो है सो हत्या किया जा रहा है। और यहाँ सुपौल का जिला प्रशासन जो है ये इस पर खामोशी बरत रही है और जिस बात की इंतजार कर रही है, हम राष्ट्रीय जनता दल तमाम आम लोगों, पीड़ित लोगों के साथ जिस बात का इंतजार कर रही है, उस इंतजार का हम लोग परिचय देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे आए सर, क्या आश्वासन दिए? हम माननीय विधायक जी चूँकि बोले हुए हैं, ये लिए हैं और विधायक जी को हम संतुष्ट किए हैं, जो हम पूरे आपको न्याय दिलाएंगे। और न्याय के लिए जहाँ तक जो करना पड़ेगा वह करेंगे। अगर विधायक जी इसमें आनाकानी करेंगे और दोषी को अगर सजा नहीं मिली, तो हम चाहे एसपी के यहाँ होगा, डीएसपी साहब के यहाँ होगा, डीआईजी साहब का यहाँ होगा, विधायक के यहाँ होगा, हम आमरण अनशन करके आत्महत्या भी कर सकते हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं।
लेकिन हमको विधायक जी पूरे आश्वासन दिए हैं और आश्वासन के साथ विधायक जी हमको इतना पूर्ण भरोसा दिए हैं आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम स्वयं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार भारती है। कोरोना को हराने के लिए अखिल विश्व में गायत्री परिवार ने महायज्ञ अभियान की शुरुआत की है। इसमें मध्य प्रदेश के कई जिले सहित कसरावत तहसील के करीब 3,000 घरों में गायत्री यज्ञ की आहुतियां दी गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच महामारी को दूर भगाने के लिए महायज्ञ की शुरुआत की गई। अखिल विश्व गायत्री परिवार के महायज्ञ अभियान के अंतर्गत 31 मई रविवार को तहसील के करीब 3,000 घरों में गायत्री मंत्र की वैदिक ध्वनि से यज्ञ संपन्न हुआ। विश्व कल्याण और कोरोना संकट को खत्म करने के लिए आहुतियां प्रदान की गई। गायत्री प्रकोष्ठ के संजय शर्मा ने बताया कि शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर पर्यावरण शोधन, कोरोना वायरस को वातावरण से नष्ट करने और राष्ट्र को सशक्त एवं समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह विश्व स्तरीय यज्ञ आयोजन 100 से अधिक देशों में संपन्न हुआ। कसरावत से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। आप जहां भी रहते हैं स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना बचाव करते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।